नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्रश्न में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यूपी एसआई एएसआई और आपके यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में जो आपका स्पेशल टॉपिक है, उस स्पेशल टॉपिक को हम रैपिड फायर राउंड में खत्म करते हुए चल रहे हैं। रैपिड फायर राउंड में मैं बात करूं तो पहला चैप्टर हमारा जीएसटी का था, जिसको हमने कुछ दिन पहले आपका खत्म किया था। आज हमारा रैपिड फायर राउंड का दूसरा चैप्टर है, और वो चैप्टर आपका कौन सा है? विमुद्रीकरण, जिसे हम डिमोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर से जितने आपके पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उन 50 क्वेश्चंस को लेकर के मैं आया हूं, और ये आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। और रैपिड फायर राउंड किस लिए शुरू किया गया है? तो रैपिड फायर राउंड शुरू करने का मेन मोटिव आपका यही है कि आपको आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा सके, और जितना आपने पढ़ा है उसको कम समय में रिवाइज किया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके विमुद्रीकरण का आपका पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है ये। इस दूसरे चैप्टर के रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन आपका यहां से है, कह रहा है विमुद्रीकरण है क्या। विमुद्रीकरण देखो क्या होता है, देश की किसी भी एक मुद्रा प्रणाली होती है, एक आपकी करेंसी सिस्टम होती है, उसमें क्या करना, उसमें इंटरफेयर करके अगर आप किसी पर्टिकुलर मुद्रा को क्या करते हैं, चलन से ही बाहर कर दें, तो उसे आप कहते हैं क्या, उसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। यानी मुद्रा के एक विशेष रूप को क्या करना है, प्रचलन से हटाना है, यानी उसे सर्कुलेशन से ही हटा देना है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा बी। कह रहा है 2016 से पहले भारत में आखिरी बार विमुद्रीकरण कब हुआ, 2016 से पहले कब विमुद्रीकरण हुआ था, तो यह हुआ था आपके 1978 में मोरारजी देसाई के सरकार में। क्या हुआ था? मोरारजी देसाई के सरकार में। यह बात ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपके क्वेश्चन बनेगा भी। ध्यान रखेंगे एक मोनेटाइजेशन आपका पहले भी हुआ था 1946 में। कह रहा है भारत में कुल कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स डिमोनिटाइजेशन, ठीक ना, कितनी बार इंप्लीमेंट किया गया है भारत में, ध्यान रखेंगे वो आपका 3 बार है। अगर आपसे पूछे भारत में कितनी बार, तो 3 बार हुआ है, 1946, 1978 और आपका कौन सा, आपका 2016। ये 3 बार आपके हुए हैं। अगर आपसे स्वतंत्र भारत का पूछे तो ये आपके स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का है, ध्यान रखेंगे 1946 में आपका अंग्रेजों का शासन था। तीसरा कह रहा है, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका 1946 में हुआ था, इस 1946 में 5000 और 10000 की जो मुद्रा थी ना, उसको चलन से बाहर कर दिया गया था। 1954 में फिर से 5000 की मुद्रा चलाई गई, और वही आकर के आपके 1978 में क्या हो गया, 5000 की मुद्रा फिर से बंद कर दी गई। ठीक है, कह रहा है भारत सरकार ने 2016 में विमुद्रीकरण की घोषणा किस तारीख को की थी, तो इसमें आपका जवाब 8 नवंबर 2016 है। ठीक है, 2016 की घटना में कौन से मुद्रा को कौन से मुद्रा नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था, तो आपको पता है 500 और 1000 के जो नोट थे ना, उनको विमुद्रीकृत कर दिया गया था, आपका जवाब बी हो जाएगा। कह रहे 2016 में विमुद्रीकृत नोटों के आदान प्रदान की अंतिम तिथि जो थी वो आपके 30 दिसंबर 2016 थी, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, और आयोग ने भी 30 ही माना है। शुरू में बैंकों में विमुद्रीकृत नोटों के आदान प्रदान करने की जो लिमिटेशन थी वो 4000 रुपया से ज्यादा आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, भारत में मुद्रा नोट जारी करने की जिम्मेदारी किस संस्थान की है, तो मुद्रा नोट अगर जारी करने की बात करते हैं ना, तो मुद्रा नोट जारी करने की जिम्मेदारी आपकी किसकी होगी, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है यहां पर, आपका भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। भारत में डिजिटल भुगतान पर विमुद्रीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, डिजिटल पेमेंट क्या हो गया, इसकी वजह से, डिमोनिटाइजेशन की वजह से जो डिजिटल पेमेंट था ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक ना, चलिए विमुद्रीकरण यानी डिमोनिटाइजेशन की जो पॉलिसी हुई थी, इस पॉलिसी का एक आलोचना यानी क्रिटिसिज्म क्या था इसका, इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि बहुत भारी मात्रा में नगदी संकट यानी कैश का क्या हो जाएगा, कैश का, सीवियर कैश का क्या हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आंसर आपका बी हो जाएगा। 11 कह रहा है विमुद्रीकरण से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, देखो जहां पर पैसों का लेन देन कैश में होता है वहीं पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और आपको पता है रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जिसमें मजदूरों को सैलरी आपकी हमेशा कैश में ही दी जाती है,
ठीक है, विमुद्रीकरण के बाद कौन सा मुद्रा नोट पेश किया गया था, नया, नया की बात कर रहा है, हजार को तो बंद कर दिया गया था, 500 की नई मुद्रा चलाई गई थी, 50 की भी नई मुद्रा चलाई गई है लेकिन पुराने 50 के बंद नहीं हुए थे, 100 की भी नई मुद्रा चलाई गई है लेकिन पुराने 50 के बंद नहीं हुए थे, ध्यान रखेंगे 200 की नई मुद्रा चलाई गई थी और एक 2000 की नई मुद्रा चलाई गई थी, ठीक ना। चलिए करते हैं यहां पर, बैंकिंग प्रणाली में कितने प्रतिशत विमुद्रीकृत मुद्रा वापस लौट आई गई, वो लगभग आपके 99.3% आपका पूरा मुद्रा वापस हो गया था। कह रहा है विमुद्री यानी डिमोनिटाइजेशन के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किस समिति का, तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी थी। विमुद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लक्ष्य क्या था, इसका दीर्घकालिक लक्ष्य यह था कि सबसे बड़ी बात ना कैशलेस की बात करनी थी, यानी हम कम से कम कैशलेस यूज करें, यही आपका इसका मेन प्रोसीजर था, आंसर इसका सी हो जाएगा। 16 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है विमुद्रीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की रिपोर्ट किस संगठन ने दी, तो उसका जवाब जो है ना वो नीति आयोग ने दी थी, ध्यान रखेंगे सी आंसर सही हो जाएगा। विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कौन सी पहल थी, तो वो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम था जिससे डिजिटल पेमेंट बढ़ा और आपके जीरो बैलेंस पे खाते खुलवाए गए थे जिससे कि आप डिजिटल पेमेंट ज्यादा से ज्यादा कर पाए, यही आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना था, ठीक है। आरबीआई ने कितने रुपए के नोटों को 30 सितंबर 2023 के बाद क्या कर दिया गया, इसको भी चलन से बाहर कर दिया गया, सर्कुलेशन से बाहर, ये आपके 2023 में 2000 के नोट भी बंद कर दिए गए थे। 2000 के रुपए के नोट पर ना पीछे की ओर अगर आपसे पूछे पीछे की ओर किसकी आकृति होती है, तो वो होती है आपके मंगलयान की, ध्यान रखिएगा सही जवाब आपका ये हो जाएगा। 2000 रुपए के नए नोट की चौड़ाई और ऊंचाई, देखो अगर मैं बात करूं आपके 2000 से लेकर के 50 रुपए तक की नोट की ऊंचाई जो होगी ना, वो ऊंचाई आपकी समान होगी 66, समझ में आया ना, वो 66 होगी, ये बात आप समझ लीजिएगा। और 2000 रुपए की जो आपकी चौड़ाई और ऊंचाई की अनुपात अगर बताया जाए आपसे, तो इसकी जो अनुपात है वो आपके 166 मिमी और आपके कितना 66 मिलीमीटर के, ध्यान रखिएगा। 500 रुपए के नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति होती है, तो लाल किला आपको देखा ही होगा आपने, ठीक है। कह रहा है 500 रुपए के नए नोट की ऊंचाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, फिर मैंने कहा 500 रुपए की बात हो रही है ना, तो 500 रुपए की 66 तो आपका कंफर्म होगा, यानी आपका अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये जो हो जाएगा आपका 22 नंबर के क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 150 मिलीमीटर और आपके 66 मीटर, आंसर आपका बी हो जाएगा। 200 रुपए के नोट पर पीछे की ओर किसकी तस्वीर बनी है, 200 रुपए के नोट पर अगर मैं बताऊं तो सांची का स्तूप बना है, 23 का आपका ए हो जाएगा। और इसकी अगर मैं बात करूं आपके, इसकी आपकी चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, तो 66 तो सही है, 66 सही है अगर, तो यहां पर जो जवाब हो जाएगा 146 मिलीमीटर और आपके 66 मिलीमीटर सही जवाब हो जाएगा। 100 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ रानी की वाव, ये गुजरात में है, ध्यान रखिएगा रानी की वाव है, इस पे पीछे की तरफ उसकी आकृति बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 100 रुपए के नोट का आकार क्या है, अगर आपसे आकार पूछे, अगर आकार की बात करें 100 रुपए के नोट की आकार, अगर 100 रुपए के नोट की आकार की अगर बात करी जाए, तो 142 मिलीमीटर और आपके 66 मीटर, आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 50 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति है, तो 50 रुपए की अगर नोट की तरफ आपसे पूछे ना, तो इस पर आपके हम्पी के रथ की है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक के में 50 रुपए के नोट का आकार आपसे जो पूछेगा, अगर आपसे आकार पूछे तो आप ध्यान रखिएगा 135 मिलीमीटर और 66 मीटर तो ऊंचाई होती ही है इसकी, ये बात ध्यान रखिएगा। 20 रुपए के नोट पर अगर मैं बात करूं, तो 20 रुपए के नोट पर आपका क्या हो जाता है, बी आंसर आपके एलोरा की गुफाएं हैं। और ध्यान रखेंगे 20 रुपए की जो नोट होती है ना, उसकी ऊंचाई आपकी क्या होती है, उसकी ऊंचाई 63 मिलीमीटर हो जाती है और 129 मिलीमीटर क्या है उसकी चौड़ाई हो जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आपके किसके बारे में, 10 रुपए के नोट के पर पीछे की तरफ किसका होता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 32 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 10 रुपए के नोट का आकार, 10 रुपए के नोट के आकार के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो 10 रुपए का जो नोट का आकार होगा 123 मिलीमीटर और आपके 63 मिलीमीटर, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं, देखिए
भारतीय करेंसी नोट पर टोटल अगर आपसे कहे ना तो ये टोटल आपके कितने होते हैं, टोटल आपके 17 होते हैं। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ दिया जाए, अंग्रेजी प्लस हिंदी को अगर छोड़ दिया जाए, हिंदी को छोड़कर कितनी भाषाएं हैं, तो वो आपके 15 भाषाएं हो जाती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह जो ये रुपया साइन है ना, ये कब दिया गया था, तो 2010 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। भारतीय मुद्रा इंडियन करेंसी के लिए जो प्रतीक ये रुपया का मुद्रा है ना, ये डिजाइन किसने किया था, तो उदय कुमार ने, डी उदय कुमार ने, ध्यान रखिएगा। देवनागरी लिपि की र और इंग्लिश का आर, इन दोनों से मिलाकर के ये साइन तैयार किया गया था, ठीक है। कह रहा है भारत में मुद्रा पर आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण कह रहा है, तो वो आपको पता है ना, केवल और केवल एक ही की जिम्मेदारी है, डी हो जाता है। एक रुपए के नोट जो है ना कौन जारी करता है, तो एक रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है और वित्त सचिव का इस पर हस्ताक्षर होता है। एक रुपए के नोट पर किसका साइन होता है, तो एक रुपए के नोट पर आपके वित्त सचिव का क्या होता है, साइन होता है, बिल्कुल सही जवाब। भारत में किसके सिक्के जारी करने का कौन अधिकृत है, मतलब कौन इशू कर सकता है क्वाइंस, तो ऑथोराइज्ड जो है वो आपका वित्त मंत्रालय है, ध्यान रखिएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। 40 कह रहा है 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद होने से पहले कितने करोड़ रुपए मूल्य के नोट प्रचलन में थे, बंद होने से पहले कितने करोड़ रुपए के जो मूल्य थे वो कितने प्रचलन में थे, तो यहां पर जो जवाब आ जाएगा आपका वो 15.44, क्या हो जाएगा आपका 15.44 लाख करोड़ रुपए जो थे ना वो चलन में थे, ठीक ना। और 500 और 1000 के बंद किए गए नोटों में से कितनी राशि बैंक में वापस हो गई थी, तो इसके लिए जो जवाब आएगा आपका वो ये आ जाएगा 15.28 लाख करोड़ आरबीआई के अनुसार, और ध्यान रखेंगे यही आपका 99.3% है, यही बात ध्यान रखिएगा। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए के नोटों की वापसी के दौरान कितने प्रतिशत कुल नगदी का वापस ले लिया गया था, यानी कितना डिमोनिटाइजेशन किया गया था, विदड्रॉन कर लिया गया था, यह बात ध्यान रखेंगे। तो यहां आपका जो हो जाएगा 10.8% आपका क्या कर लिया गया, विदड्रॉ कर लिया गया था। 2000 रुपए के नोटों की वापसी के लिए अंतिम तिथि कौन सी थी, तो अंतिम तिथि आपकी थी 30 सितंबर 2023, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किया गया पहला नोट कौन सा था, जिसे किस वर्ष में जारी किया गया, पहला नोट कौन सा था, पहला नोट जो था आरबीआई द्वारा जारी किया गया वो पहला नोट आपका कौन सा था, तो 5 रुपए का नोट था जो 1938 में क्या किया गया था, आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया पहला नोट कौन सा था और किस वर्ष में जारी किया गया था, यह बात आपको बताना है। 45 नंबर के क्वेश्चन में अगर बात करी जाए तो वो आपका स्वतंत्रता के बाद, देखो अगर बात करी जाए आपसे आरबीआई द्वारा पहला नोट कब जारी किया गया, तो 5 रुपए का 1938 में, और अगर आपसे कहा जाए स्वतंत्रता के बाद पहला नोट, तो 1 रुपए का नोट था, 1949 में जारी किया था। महात्मा गांधी सीरीज के नोटों का प्रचलन कब से शुरू हुआ, महात्मा गांधी के सीरीज की बात हो रही है, महात्मा गांधी के नोटों की सीरीज का प्रचलन आपके 1996 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नोटों पर ना महात्मा गांधी के सीरीज यानी महात्मा गांधी का चित्र नोटों पर आना कब से शुरू हुआ, तो 1996 से आया, ध्यान रखेंगे। और 500 रुपए के नोट पर पहली बार महात्मा गांधी का चित्र कब आया था, तो वो चित्र आया था आपके 1987 में, ये बात ध्यान रखिएगा, पहली बार महात्मा गांधी का चित्र 1987 में आया था। लेकिन ध्यान रखेंगे यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये चित्र आपके कहां पे हो गया, 1987 में पहली बार आया। 1947 से लेकर के 1996 तक क्या हो गया था है, 1996 तक अशोक स्तंभ सीरीज की नोट चलती थी, और 1996 से अब तक क्या चल रहा है, महात्मा गांधी सीरीज चल रही है। चलिए 1938 से 1947 तक जॉर्ज पंचम की सीरीज चलती थी नोट पर, ठीक है ना। और एक बात आपका ये हो जाएगा, कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान करता है, तो वो है आपका भारत, ध्यान रखेंगे 51% लगभग, पूरे आपके टोटल अगर मैं बात करूं ना, लगभग आपके 51%। चलिए अगर मैं बात करूं भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूपीआई का योगदान कितना है, तो टोटल यूपीआई का योगदान जो है वो आपका 55% है। तो ये विमुद्रीकरण से लेकर के आपके टॉपिक रहे हैं। रैपिड फायर राउंड में
इसे आप देख लीजिएगा। इससे बाहर आपके विमुद्रीकरण से क्वेश्चन तो, डिमोनिटाइजेशन से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने यार दोस्तों मित्रों में बांटिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाइएगा, और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।